के साथ करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। दुष्यंत चौटाला का बड़ा आरोप, जेजेपी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले सांसद दुष्यंत, भाजपा ने किसानों को 6,000 रुपए देने का झुंझुना थमाया। फसल बीमा योजना अंग्रेजों के जजिया कर से भी बड़ा कर, अंग्रेज फसल खराब होने पर नहीं लेते थे कर, पर भाजपा नहीं छोड़ती कर। नॉर्थ इंडिया में बीमा के नाम पर वसूले 2300 करोड़ रुपए, दिए मात्र 183 करोड़ रुपए। भाजपा बहुत चालाक है, हमारे खिलाफ कर रही है गलत प्रचार। छोटा वोट जेजेपी व बड़ा वोट भाजपा को देने का कर रहे हैं प्रचार। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला को 3.5 माह में न तो SYL याद रही और ना ही भाजपा का भ्रष्टाचार। दुष्यंत ने चुटकी ली, ठग ठोरी करने वाले केवल अब इनेलो में रह गए हैं। और इसी के साथ देखिए पल पल की यह खास रिपोर्ट। संगठन का गठन नहीं, ठगी ठोरी करने वाले लोग हैं उनको हमने भी नहीं लिया। मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि उनकी सिफारिश लेकर आओ, जिनका नेता ये कहता है ठगी ठोरी मार के साधन दे दे। बुजुर्ग युवा साथियों, हमने तो संगठन की सोच रखने वाले मजबूत और सामाजिक लोगों को साथ लेकर चलना है। एक निवेदन आप सबसे, जींद के उपचुनाव में 38,000 वोट आपको लाकर और यह साबित कर दिया कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अगर कोई मुख्य विपक्षी दल है तो मुख्य विपक्षी दल जननायक जनता पार्टी। ये अपनी लड़ाई और ये बीजेपी वाले बहुत चलाक, इन्हें प्रचार शुरू कर दिया। पत्रकार साथी भी कई इस चीज को क्वेश्चन में पूछ लेते हैं वैसे, यदि लोग कहते हैं छोटा वोट दुष्यंत का बड़ा मोदी ने दे दी, गलती ना करी। ये बीजेपी की चाल है, इसमें फंसी हो ना, छोटा बड़ा कुछ नहीं, सारे वोट जेजेपी को देने। और आपको बताऊं क्यों देने हैं, बीजेपी के 7 सांसद चुनकर गए थे, एक आपके भिवाड़ी के भी थे, 7 का हिसाब निकाल लो कितनी बार पार्लियामेंट में हरियाणा की बात रखी है। अगर मेरे से आते भी है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा मजबूती के साथ। चल रहा है और सुनने में आ रही है कि विधानसभा के सत्र के अंदर जो 5 तारीख तक है, ये 27 तारीख को विधानसभा को भंग कर दे। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलो 40 दिन में लोकसभा, नहीं लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हमारे सिर पे आने। और अगर उन परिस्थितियों को देखेंगे तो फिर चुनाव सिर पे, फिर तो कमर भी कसनी पड़ेगी। और जैसे कुश्ती में पहलवान कहते हैं ना धोबी पछाड़ी मार ले, वैसे अच्छी तरह पटकनी भी बीजेपी को देनी पड़ेगी। पर पटकनी देने के लिए आज से निस्वार्थ भाव से अपना कोई जरूरी काम है उसमें भी छोड़कर एक से एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि मेहनत करके प्रदेश में राज बनाना है। बुजुर्गों युवा साथियों, ये प्रदर्शन स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को छोड़ दो, मैं इनके 6,000 की बात करूं। ये 6,000 रुपए किसान के हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया, चुनाव से पहले किसान खुश हो जाए। इन बीजेपी वालों से पूछो 6,000 रुपए तो देते हो, 3,000 रुपए फसल बीमा के नाम के वापिस काट लेते। और फसल बीमा तो ऐसा जजिया है जो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया, अंग्रेज भी देखता था फसल खराब होगी तो पैसा नहीं ले, फसल नहीं आई तो दाना नहीं ले। पर ये तो ऐसे लोग सत्ता में है, फसल उगे ना उगे पहले पीछे ले ले। और बीमारी में तो सबसे ज्यादा नुकसान, मैं जब भी दिशा की मीटिंग में जाता हूं हमेशा फसल बीमा का एजेंडा पे होता है कि इतने करोड़ रुपए आज भी बकाए किसानों के पड़े। और पिछले दिनों तो पूरे नॉर्थ इंडिया का रिपोर्ट कार्ड आया था कि 2300 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया एक साल और पैसा बांटे 183 करोड़ रुपए। सोचो जो 6,000 रुपए आपके खाते में डलाने की बात करते, क्या वो 3,000 रुपए फसल बीमा के अपनी जेब से नहीं भर सकते थे? आज नौकरियों के हालात है, ढिंडोरा पीट रखा है कि ईमानदारी से डी ग्रुप की नौकरियां दे दी, कोर्ट में 6 केसेस हैं, धीरे धीरे ग्रुप डी की भी पोल खुल जाएगी। मगर ये नहीं बताते कि उस 17,000 नौकरियों के लिए 18 लाख लोगों ने धक्के खाने का काम किया था। एक साल में देंगे।